हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साड़ी से लहंगा कैसे बनाया जाता है वो बताने वाली हूँ। ये मेरी साड़ी है, काफ़ी भारी है, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। ये भरी हुई साड़ी है, इसका मैं लहंगा बनाने जा रही हूँ। मुझे इस साड़ी का लहंगा प्लेट्स डालकर बनाना है। तो ये किस तरह से बनाया जाता है इसको मैं अभी बता रही हूँ। ये मेरी साड़ी है, इसको मैं जहाँ जहाँ पर वर्क है, ये इस साइड जैसे है, इसको मैं ये देखिए, मैंने साड़ी के वर्क वाला एक साइड कर लिया है। और जितना मैं घेर रखना चाहती हूँ इसी हिसाब से मैं साड़ी को इस साइड से, ये देखिए, इस तरह से ये इस साइड का वर्क मैं अलग कर लेती हूँ। ये वाला वर्क, ये पल्लू का वर्क है, पल्लू के वर्क को मैं काट लिया, ये इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। ये देखिए, हमें अपना पूरा लहंगा 40 सेंटीमीटर लंबा रखना है। मुझे अपना लहंगा 40 सेंटीमीटर तक लंबा रखना है। इसकी कुल लंबाई 40 सेंटीमीटर तक है। देखिए, इस तरह से मैं ये 40 सेंटीमीटर पर ये निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब इसको मैं ऊपर से नाप लेती हूँ, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इसी तरह मैं 5 सेंटीमीटर तक मैं निशान लगा दूंगी फुल साड़ी में। फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी, इतने कपड़े को मैं निकाल दूँगी। इस तरह से मैंने ये निशान पूरे साड़ी पर लगा लिए हैं। अब मैं इसको इसकी कटिंग करूँगी, इस तरह से मैं इसको निकाल दूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको निकाल, ये देखिए, मैंने ये कपड़ा निकाल लिया है पूरी साड़ी से इस तरह से। अब मैं इस पर प्लेट्स भरने के लिए इस पर निशान लगाऊंगी, ये इस तरह से। पहले 2 सेंटीमीटर का लगाऊंगी, इसके बाद 5 सेंटीमीटर का लगाऊंगी, फिर 2 सेंटीमीटर का लगाया मैंने इस तरह से, 5 सेंटीमीटर का फिर लगाऊंगी। इसी तरह से मैं फुल साड़ी में इसी तरह लगा लूंगी। और ये प्लेट्स हैं, 10 सेंटीमीटर मैं इसमें फिटिंग डालूंगी। इसी तरह मैं पूरी साड़ी में इसी तरह से प्लेट्सों के लिए मैं ये चौक मार्क्स लगा दूंगी इस तरह से। ये 10.5 सेंटीमीटर पर इस तरह से, ये देखिए, मैंने सारी साड़ी में ये प्लेट्स हैं डाल ली हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरी साड़ी में प्लेट्स हैं डाल ली हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको मैं किस तरह से सिलूंगी ये मैं आपको बताती हूँ। ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, इस तरह से सिली जाएंगी। ये 5 सेंटीमीटर की है, तो 5 सेंटीमीटर को यहाँ से इस तरह से मैं मिलाऊंगी और इस तरह से मैं मिलाऊंगी, इस तरह से, इस तरीके से। और ये 10 सेंटीमीटर तक मैं इसमें सिलाई डालूंगी इस तरह से यहाँ तक। और फिर इसको दूसरी बार 2 सेंटीमीटर छोड़ करके फिर ये 5 सेंटीमीटर के इस तरह से मिलाऊंगी। और ये इस तरीके से मैं इस प्लेट्स को इस तरीके से, इस प्लेट्स को इस तरीके से यहाँ से इधर तक सिलाई डालूंगी इस तरीके से। मैं अभी इसमें सिलाई करूंगी, तब मैं आपको इसके प्लेट्स डालना बताऊंगी। ये मैंने सारी की साड़ी में इस तरह से प्लेट से डाल ली है। अब मैं इनकी प्लेट्स डालूंगी
इस तरह से ये लाइन है और ये लाइन 5 सेंटीमीटर की। इस तरह से मैंने इस लाइन को मिलाया इस तरह से और इस पर प्लेट डाल। इस तरह से ये लाइनें मिलाने के लिए सिलाई डालने में पता नहीं चल पाता है, तो हम इस तरह से ये लाइन और इस लाइन को पकड़ लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से इस दोनों लाइनों को इस तरह से मिलाया और ये हमने एक पिन लगा दिया इस तरीके से। तो इसने सिलाई में हमें सुविधा हो जाती है कि हमें यहाँ तक सिलाई डालना है। इसी तरह से हमने इन दो लाइनों को मिलाया इस तरीके से करके इस साइड का और इस साइड का हमने इस पर पेंच लगाया। ये इस तरीके से हमने इसी तरह हम सारी साड़ी में पेंच लगा लेंगे और इसमें सिलाई डालेंगे। इस तरह से मैंने पिन सारी साड़ी में लगा लिए हैं। अब मैं इनको सिलूंगी इस तरह से। इस तरह से हम इसको साड़ी को सिलेंगे। इस तरह से हम फिर से देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड ये हमने डाल ली है, प्लेट्स डाल ली है और इस तरह से ये आ रही है। इसी तरह से हम दूसरी प्लेट्स डालेंगे। इसी तरह से हम सारी प्लेट्सों को डालते जाएंगे। ये हमने पेन लगा लिया है तो हमारी साड़ी खिसक भी नहीं गई है और इसकी पेन की सहायता से हम ये देखिए मेरी पूरी प्लेट्स हैं पड़ गई हैं। ये इस तरह से ये प्लेट्स पड़ गई हैं। ये सारी प्लेट्स हैं मैंने पूरी साड़ी में डाल ली थी। ये इस तरह से अब मैं इसको अस्तर लगाऊंगी और इसका नेपा बनाऊंगी। इस तरह से ये मेरा लहंगा इस तरह से मैं साड़ी में ये प्लेट्स लगाई हैं। इसी तरह हमने अस्तर को काट लिया है ये उसके लिए लहंगा के लिए। अब हम इसको कैन लगाएंगे अस्तर में कैन लगाने के बाद हम लहंगा में फिट करेंगे और उसका नेफा बनाएंगे। देखिए मैं इसको कैन को काट रही हूँ। कैन लगाना मैंने अपने एक दूसरे लहंगे में लगाना सिखाया है और कैन की अलग से मैंने वीडियो डाल दी है। यदि आपको चाहिए हो तो मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हैं। मैंने ये अस्तर में कैन लगा दी है ताकि साड़ी में बहुत ज़्यादा लूज है, इसके कारण मैंने थोड़ा दूर से कैन लगाई है। अब कैन लगा के मैं इस अस्तर को उसमें फिट करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये कैन फूला हुआ है। इस तरह से मैंने काफ़ी चुन्नट इसमें डाली हैं। 4 मीटर 5 मीटर का इसका घेर है पूरा कैन का। ये लंबाई इसकी लंबाई भी काफ़ी है। ये देखिए अब मैं इसको
किस तरह से फटकारूंगी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने इसको लहंगे को और अस्तर को दोनों को मैंने इस तरह से मैं इसको इसको साथ में जोड़ रही हूँ। फिर इसमें नेफा लगाऊंगी। ये देखिए मैं इस तरह से इसको लगा रही हूँ। मैंने ये अस्तर फिट कर लिया और कैन कैन फिट कर ली है। अब मैं इसकी नेफा के लिए सबसे पहले मैं इसकी ये पट्टी यहाँ से बनाऊंगी इस तरह से इसको दबा करके, और फिर इसमें नेफा लगाऊंगी। नेफा ये इस तरह से मैंने ये पट्टी को लगा रही हूँ। इस तरह से मैं ये पट्टी बना रही हूँ लगभग 3-4 सेंटीमीटर की ये पट्टी बनानी पड़ती है इस तरह से। ये पट्टी बना ली है। अब मैं इस पर नेफा लगाऊंगी। नेफा इसी साइज का काट करके मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने नेफा बना लिया है। इस तरह से मैंने इसको जोड़ा है। अब मैं इसको इस तरह से कर करके इस तरह से करके इस तरह से इसको मैं पहले सबसे पहले इसको इस तरह से मोड़ूंगी इस तरह से ये इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और इस तरफ का मैं अभी मोड़ूंगी नहीं, मैं उसमें नेफा लगाऊंगी। उसके बाद जितना बचेगा कपड़ा उस तरह मैं मोड़ूंगी। सबसे पहले मैं इस तरह से लगाऊंगी पट्टी नेफा। अब मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी। सबसे पहले जैसे मैंने ये नेफा आपको बताया मैंने इसकी पट्टी नेफा की, और इस तरीके से हमने ये सिल लिया। ये देखिए इसको मैंने सिला। अब ये इतनी पट्टी बच रही है तो मैं इसको यहाँ से इसको मोड़ दूँगी। इस तरह से मैं इसको मोड़ देती हूँ इस तरीके से। इस तरीके से मोड़ के, और ये देखिए मैंने इस तरह से पलटाया और ये मेरा नेफा सही तरीके से उनको सफाई से सिलाई आती जा रही है। और पीछे इसकी साइड देखते जाना है कपड़ा, कोई कपड़ा ना दबने पाए। इस तरह से हम नेफा लगाते जाएंगे। ये देखिए मैंने इसका नेफा तैयार कर लिया है इस तरीके से। ये नेफा तैयार कर लिया है अंदर से। ये देखिए इसकी सिलाई डली है और ये बाहर से है, और ये मेरा पूरा लहंगा तैयार हो चुका है इस तरह से। ये मेरा पूरा लहंगा तैयार हो चुका है।